नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। से चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। मॉनसून सत्र का 10वां दिन आज, LIC के विनिवेश पर पुनर्विचार करने को लेकर नोटिस। भाजपा सांसद दुबे की सरकार से मांग, धर्म परिवर्तन करने पर अनुसूचित जनजाति को नहीं मिले आरक्षण। उपसभापति हरिवंश ने तोड़ा उपवास, चिट्ठी लिख कहा था जो हुआ उसने रात भर सोने नहीं दिया। बेंगलुरु में हुए दंगे से संबंधित 2 मामलों की जांच NIA ने अपने हाथ में ली। भारतीय वैज्ञानिकों की टीम का दावा, ब्लैक होल की चारदीवारी की एक्सरे साक्ष्य का पता चला। कर्नाटक में ड्रग्स मामले में पूर्व मंत्री जीवाराज अलवा के बेटे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति के लिए अनुच्छेद 370 को बहाल किया जाना चाहिए। भिवंडी इमारत हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 35 हुई, वही 25 लोगों को बचाया गया। मुंबई में बारिश से सड़कें और रेलवे पानी ही पानी, बस और रेल सेवाएं प्रभावित। राज्यसभा का ऐतिहासिक दिन, 3.5 घंटे में ही पारित हो गए 7 बिल। गरीब लोगों से ज्यादा अमीर लोग करते हैं कार्बन उत्सर्जन, ऑक्सफैम रिपोर्ट में खुलासा। संसद में धरना खत्म कर विपक्षी सांसदों ने कहा कि अब सड़कों और गांव में लड़ेंगे लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को दिए सेक्स वर्करों को राशन नकदी मुहैया कराने के आदेश। DGCA ने कहा कि लॉकडाउन में बुक कराए हवाई टिकट का पैसा होगा रिफंड। 1 नवंबर से होगी शैक्षणिक सत्र की शुरुआत, पढ़ाई पूरी करने के लिए छुट्टियों में होगी कटौती। जगदीप धनखड़ ने कहा कि मगरमच्छ के आंसू ना बहाए ममता, इसके बजाय PM किसान सम्मान निधि योजना लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने शाहपुरजी समूह को टाटा संस के शेयर गिरवी रखने से रोका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए पंजाब और हरियाणा सरकार। क्राइम ब्रांच के हाथ लगी कामयाबी, बेंगलुरु धमाके का आरोपी केरल से गिरफ्तार। ओडिशा में धान खरीद के लिए किसानों के पंजीकरण में हुई 21% की वृद्धि। शिक्षक भर्ती को लेकर UP सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। रक्षा क्षेत्र में एक और उपलब्धि, DRDO ने अभ्यास में किया सफल परीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर 5 साल में 517 करोड़ खर्च, 5 बार गए अमेरिका, रूस और चीन। अपराध देखे बिना कोरोना के नाम पर जेलों से रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज। टोक्यो ओलंपिक से पहले भारतीय हॉकी को झटका, अब टीम के विश्लेषणात्मक कोच सिरिलो का इस्तीफा।